शाद को बुला रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ अपनी। और उस्मा गिलानी साहब भी थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ ज़रूर ले आए, जब भी जाना चाहें वो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारी मेहमान खुसूसी हैं और हमारी इस महफिल की जीनत है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। और उस इसके बाद मैं इस तकरीब के दूल्हा, हम ये पाकिस्तान में जब ये किताबों की रुनुमाई की तकरीब मुस्तकिल होती रहती हैं तो वहाँ पर ये ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि जो साहिब किताब है उसे उस तकरीब का दूल्हा कहा जाता है, कि एक तरह का तो बहरहाल अब वैसे तो इनके दूल्हा बनने के इम्कान अब नहीं हैं, लेकिन हम आज की इस तकरीब और किताब के हवाले से इस तकरीब के दूल्हा जनाब आरिफ राणा को मैं दावत दूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। और मैं अपने उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के हमारे सरपरस्त और बानी रुकन जनाब डॉक्टर शब्बीर हैदर से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। चंद बातें बस मैं आपसे बुलाने से पहले मैं कर दूँ कि क्योंकि आरिफ राणा साहब बड़े हवा जहत उनकी सलाहियतें हैं और बहुत से काम किए हैं उन्होंने, उन सबका इयाता तो बड़ा मुश्किल है इस छोटी सी तकरीब में, लेकिन हमने ये ज़रूर किया है कि इनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं इस तकरीब में उनका आपको अक्स नज़र आएगा। मसलन पहला अक्स तो आपने देख लिया टीवी, तो आपने टीवी पर आपने उनकी एक तकरीब जो है उसका अहवाल देखा। उसके अलावा ये अफसाना निगार हैं, अफसाने के हवाले से अब उनके ऊपर चीज़ें कही जाएंगी। और मैं इसके बाद उस्मा गिलानी साहब को दावत दूँगा, उनका मेरा ख्याल है किसी तारीफ को मोहताज नहीं, मैं उनकी शान में बहुत तवील कसीदा यहाँ कह सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ उनकी तारीफ में, लेकिन आप सब जानते हैं और हम सबकी बहुत दिल अजीज़, मैं मोहतरमा उस्मा गिलानी साहब से कहूँगा कि वो आरिफ राणा साहब, क्योंकि आरिफ राणा साहब की साथी भी रही हैं, साथी फनकार रही हैं पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से भी, कि वो उस हवाले से और उनकी किताब के हवाले से कुछ फरमा दें। आरिफ राणा की इस किताब के बारे में ये मैं कहना चाहूँगी कि किताब कई हवालों से मेरे दिल के बेहद करीब है। एक तो आरिफ राणा के कलम से इस किताब के हरूफ निकले हैं, दूसरे इसका टाइटल मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त नसीर मलिक ने बनाया है, और तीसरे शाद साहब के तवसुत से ये किताब सिडनी में लॉन्च हुई है, जो कि मजमू तौर पर उर्दू के लिए कुछ ऐसा वफादार शहर नहीं है। जहाज़ में बैठकर पानी में सफ़र करते जाओ और फिर ज़मीन से टकरा जाओ और दुनिया का सबसे जुगादर सबसे बड़ा मुल्क मारे से वजूद में आ जाए, ये तो हर कोई कर सकता है। कोलंबस ने एक अंडा मंगवाया और उन सब से कहा कि ज़रा इसको सीधा खड़ा कर दो। सब ने कोशिश की लेकिन अंडा लुढ़कता रहा। अब कोलंबस की बारी आई, उसने अंडा ज़मीन पर रखा, नीचे से थोड़ी सी ठोक लगाई और अंडे को सीधा खड़ा कर दिया और कहा कि लो अब तुम लोग भी ये कर सकते हो। इस कहानी का मतलब ये है कि पाकिस्तान टीवी की तारीख का सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर था, जिसका कोलंबस आरिफ राणा था। बाद में तो काफ़ी लोग आए और अंडे को ठोकें लगाते रहे। तारिक अजीज़ को तारिक अजीज़ बनाने वाले बेहद मेहनती, मिलनसार और प्यार करने वाले आरिफ राणा आज हमारे पास सिडनी में हैं। माशाल्लाह राणा बिरादरी के मौज़ज़ीन में से हैं। राणा लोग सिडनी में कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 से 300 घरानों पर मुश्तमिल है। राणा साहब ने अपनी बेगम के बारे में जो लिखा वो बिल्कुल सच है। ये खातून भी खातून टीवी थी, बाद में आरिफ साहब की खातून खाना बन गई। अंदाज़ा लगाइए कि दो दो जगह की खातून बनना और फिर जिम्मेदारी को निभाना और शोहर के कलम से इतने अच्छे कलमात लिखवाना फरीदा बानो की तकदीर। आरिफ साहब ने जब ये किताब छपवा ली तो मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें इसकी लॉन्च पर आना है और बोलना है। मैंने पूछा क्या बोलना है, उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम्हारे दिल को भाए। तो राणा साहब मेरे दिल को तो आप भाए हुए हैं, लिहाजा मैं तो आपके बारे में ही बहुत कुछ बोल सकती हूँ। मेरे ख्याल में किताब के बारे में बोलना मैं दानिशवरों और नकादों पर छोड़ती हूँ, लेकिन इस किताब और राणा साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं इस किताब में से एक छोटी सी कहानी पढ़कर ज़रूर सुनाऊँगी, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आरिफ साहब आखिर में इस किताब की इशार पर मैं आपको बेहद मुबारकबाद पेश करती हूँ और यकीन मानिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए। कहानी सुनाओगे?
गहरी स्याही माइल रंगत की वजह से सोरा की माँ उसे सबको नीली कहती थी, मगर लोग उसे सिर्फ नीली कहकर बुलाते थे। नीली पर जवानी भी काली आंधी की तरह आई थी। नीली का मासूम बचपन कब रुखसत हुआ और कब काफिर जवानी ने अपने पूरे साजो सामान के साथ नीली की ज़िंदगी में डेरे जमा लिए, नीली को खबर तक ना हो। वो तो बस अब भी वही कुछ कर रही थी जो बचपन से करती चली आ रही थी। नीली ने होश संभालते ही घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू किया। घर में झाड़ू पोछा ख़त्म करने के बाद छोटी सी चोट टोकरी उठाकर गलियों से गोबर चुनने चली जाती। गांव से बाहर जौहर से पानी पीने के लिए जाने वाले माल मवेशी गलियों से गुजरते वक्त गोबर गिराते और नीली वही गोबर उठाकर लाती और अपने छोटे छोटे हाथों से उपले बनाकर घर की कच्ची दीवार के साथ चिपकाती रहती थी। नीली गोबर चुनने का काम नीली गोबर चुनने को काम समझकर नहीं मशगले के तौर पर करती थी। इसी बहाने से वो पूरे गांव का चक्कर बड़ी आज़ादी से लगा सकती थी। बचपन में वो जब घर से निकल जाती तो फिर वापस अपनी मर्जी से ही बोलती लौटा करती थी। रास्ते में जहाँ भी उसे अपनी हमउम्र सहेलियाँ मिल जाती वहीं उनके साथ खेल कूद में लग जाती, मगर वो घर को लौटते वक्त गोबर ज़रूर लाती। इसीलिए उसकी माँ ज़्यादा पूछगछ नहीं करती थी। सरगो नीली अब तो बच्ची नहीं रही है, इसलिए ज़्यादा घर से बाहर न आकर काम खत्म करके चिट्ठी कार आ जाया कर, तेरे खेलने कूदने के दिन नहीं रहे। अरे गरीब के पास इज्जत के सिवा और होते क्या है, माँ ने नीली को समझाते हुए कहा। उसने माँ के गले में बाहें डालते हुए लाड से कहा, बड़ी हो गई हूँ तो की होया, मेरा दिल तो वही है ना माँ, अभी भी अपने बचपन के सहेलियों के साथ चांदनी रातों में कोकला छिपा की और दिन में अद्धा खड्डा और गिट्टियाँ खेलने को दिल चाहता है। उसने माँ के गले से बाहें निकालते हुए झुंझला कर कहा, गरक जाए ये जवानी, आग लगे इसको, ये भी अजाब ही बन गई है मेरे लिए, हर बात पर रोक टोक। मैं सब कुछ तेरे भले के लिए कहती हूँ मेरी बच्ची, बस मैंने कह दिया अब तू घर से बाहर देर नहीं रह कर ज़्यादा रहा करेगी, माँ ने आखिरी वार्निंग दे दी। अच्छा माँ, जैसे तू कहती है, नीली ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा। वक्त बदल चुका था, मगर नीली का वही मामूल था, रोज़ाना गोबर लाना, उपले बनाना और घर की कच्ची दीवार से चिपकाते रहना, यही उसकी ज़िंदगी थी और यही उसका सबसे बड़ा मशगला था। इसके अलावा जो वक्त बच जाता वो घर में माँ के साथ कामकाज में गुजर जाता। रात को दिन भर की मशक्क़त से टूट टूट कर जल्दी नींद की वादियों में खो जाती। पढ़ें, नीली को अपने बारे में कुछ सोचने का ना तो कभी ख्याल आया और ना ही कभी वक्त मिला। एक रोज़ नीली के बाप ने उसकी माँ से कहा, मेरे रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा लड़का नहीं है जिससे नीली की बात करूं, तुम ही अपने रिश्तेदारों की तरफ नज़र दौड़ाओ, कब तक उस तरह जवान बेटी घर में बैठी रहेगी, अगर लड़की की शादी की उम्र निकल जाए तो फिर उम्र ढले और रणवे ही रह जाते हैं उसके लिए। अल्लाह ना करे, नीली की अभी उम्र ही क्या, मुश्किल से 16 बरस की तो हुई है, की बदशगुनियाँ दिया गल्ला करना, मेरी बहन का बेटा तो है तो सही मगर कुछ काम काज नहीं करता। नीली की माँ को हल्की सी उम्मीद की किरण नज़र आई। अरे नेकबख्त, जब तेरा मुझसे निकाह हुआ था तो मैं कौन सा काम करता था, हैं शादी के बाद ऐसा कुल का बैल बनाऊं कि सारे कसबल निकल गए। इस पर एक क्या चीज़ है, बालाजार भाई से रिश्ता तय हो गया। मंगनी के बावजूद नीली की मसरूफियात में कोई तब्दीली ना आई, वो हसबे मामूल गोबर चुनने जाती रही। एक रोज़ नीली काफ़ी देर तक गलियों में घूमती रही, मगर उसे कहीं से भी गोबर न मिला और वो मायूस होकर टोकरा लिए वापस घर की जानिब चल दी। रास्ते में मन्ने चौधरी ने नीली को खाली टोकरा उठाए देखकर पूछा, क्या बात है नीली, मुँह क्यों लटका हुआ है भाई। क्या बताऊँ चौधरी जी, आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने खेतों में डेरे बनाकर ढोर डंगर वहीं रखने शुरू कर दिए, अब तो हम गरीबों को ना गलियों से गोबर ही नहीं मिलता। चौधरी नीली की बात सुनकर हंसने लगा, अरे पगली, परेशानी की गल है, दे तू मेरे डेरे से जितना चाहे गोबर ले आ जाए, चल आ जा अभी जाकर टोकरा भर ले। नीली का उदास चेहरा खिल उठा, उसने खुश होते हुए कहा, अल्लाह तुझे बहुत ही दे चौधरी, ये कहकर वो तेज तेज कदमों से इशलाती हुई डेरे की तरफ चला। घर आते ही नीली अपनी माँ को ऐसे खुश होता होकर बता रही थी जैसे मन्ने के डेरे से गोबर नहीं है सोना उठा कर लाई। माँ, तेरी नीली को गली गली फिरकर गोबर ढोना नहीं पड़ेगा और ना ही आज के बाद ज़्यादा देर घर से बाहर आ करूँगी,
बस यूं जाया करूंगी और यूं टोकरा भरकर वापस आ जाया करूंगी। उसने चुटकी बजा के देखा। माँ ने नीली को सर से पांव तक देखा तो उसका सहापा देखकर सहम गया। उसने पहले इतने गौर से नीली को नहीं देखा। उसने घबराते हुए कहा, सुखो तुरु मैं तो कहती हूँ अब तो कहीं भी ना जाया कर, पता नहीं क्यों अब तो बाहर जाती है तो मेरा दिल बैठ जाता है। नीली ने लापरवाही से कहा, मेरी ये माए किसी की मजाल नहीं है जो तेरी नीली को मेरी आँख से देखे, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा ना तो मैं आँखें निकाल दूंगी उसकी। फिर भी पुत्र एहतियात तो करनी चाहिए ना, लोग बड़े जालिम हैं, वो जुल्म करते वक्त अंधे हो जाते हैं। माँ ने जरा तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अच्छा माँ अब ज्यादा ना डरा, हमारे गाँव में अभी तक कोई ऐसा जालिम पैदा नहीं हुआ है जो तेरी नीली को हाथ भी लगा सके, और फिर हमारे गांव के सारे चौधरी हमारे रखवाले हैं, है ना। उसकी माँ चुप हो गई। डेरे पर कभी कभार चौधरी मन्ने से मुलाकात होती तो वो मुस्कुरा कर सलाम करती और आगे बढ़ जाती। दिन गुजरते रहे और नीली डेरे पर आती जाती रही, कहीं रह गया। नीली ने चौधरी को देखकर सलाम किया तो उसने बड़े तपाक से सलाम का जवाब दिया और खड़े होकर नीली का रास्ता रोक लिया। वो घबरा कर एक तरफ हट गई। उसने इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। चौधरी मुस्कुराते हुए दोबारा उसके सामने आया। क्या कर रहे हो चौधरी जी, परांठो मुझे जाने दो, ये कहकर उसने तेजी से एक तरफ हो जाना चाहा तो चौधरी ने उसका बाजू पकड़कर कहा, नीली तू कितनी खूबसूरत है, मैंने तो कभी पहले गौर ही नहीं किया। इससे पहले कि नीली संभलती चौधरी ने उसे ऐसे दबोचा जैसे बास चिड़िया को दबोचता है और डेरे के कमरे में ले जाकर चारपाई पर गिरा दिया। सूरज गुरु होने को के करीब था। डेरे के नौकर रोज़ाना इस वक्त अपने घरों को चले जाया करते थे और रात का खाना खाकर ही लौटते थे। चुनाचे चौधरी ने बिला टोक टोक नीली को पागल कुत्ते की तरह भंभोड़ा। नीली ने उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की बहुत कोशिश की मगर आखिरकार वो इस सारी पेशी के आगे हार गई। शैतानी हविस पूरी करने के बाद नीली को सिसकियाँ देता छोड़कर वो बाहर आ गया और चारपाई पर बैठकर रोककर उड़ाने लगा। नीली के सारे सामान टूट चुके थे। उसे जब माँ की बात याद आई तो उसकी सिसकियाँ और भी तेज हो गई। वो टूटे हुए बदन से उठे और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानब चलता। कमरे से बाहर आते वक्त अचानक उसकी नज़र चारे के करीब बड़े गंडासे पर पड़ी तो एकदम उसकी सिसकियाँ रुक गई। उसकी बेबसी गजबनाक गुस्से में बदल गई। उसने दबे पांव आगे बढ़कर गंडासा उठाया और अब वो फन फैलाए पे नागन लग रही थी। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। जो जो चौधरी के करीब जा रही थी गंडासे पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। चौधरी की पीठ नीली की तरफ थी और थूक दे गुस्सा, भाई अब क्या हो सकता है, हैं जो होना था वो तो हो चुका ना। उसकी इस बात पर नीली को उसकी इस बात ने नीली को और भड़का दिया। उसने चौधरी के सर पर पहुंचकर गंडासा हवा में लहराया और पूरी कुव्वत से धाड़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा हरामी सुअर, गोबर का एक टोकरा इतना महंगा। उसके साथ ही गंडासा उसके सर में उतार दिया। आप लोग क्या बैठे हैं, अगर आप थोड़ी देर के बाद अगर आप भी ये बता सकें कि ये किस हीरो की तस्वीर है या किससे मिलती जुलती तस्वीर है तो उनको आरिफ राणा साहब की एक किताब आरिफ राणा साहब की एक किताब जो है वो तोहफे में दी जाएगी। बाद में आप बताइएगा मुझे कि किसकी लेकिन हमारे लिए ये भारत आरिफ राणा की तस्वीर है। आरिफ राणा वक्त और उम्र बहुत जालिम होती है अपने। मैं अब इसके बाद मोहतरमा कनीज फातिमा किरण को मैं दावा देना चाहूँगा कि उन्होंने जो आरिफ राणा साहब के अफसाने की किताब पर जो जो तासर जो महसूस आते हैं उनके बयान करें। कनीज फातिमा साहिबा का एक तारुफ भी है, सभी जानते हैं यहाँ पर उर्दू का चिराग बहुत सबसे पहले जलाने वाले लोगों में से हैं और इस एतबार से बहुत मोहतरम है कि कराची यूनिवर्सिटी से ये उर्दू की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उस ज़माने की। उसके अलावा इनके ये शायर भी हैं, अफसानेगार भी हैं, इनके दोनों शायरी के भी और अफसानों के भी दोनों मजबूर आ चुके हैं। मैं उनको दावतों का तशरीफ़
आरिफ राना साहब को मैंने कई साल गुजरे मुशायरों में अपनी शायरी सुनाते हुए अक्सर देखा था। जब किताब की रूनुमाई की इत्तला मिली तो मैं समझी कि शायद उनके मजमूए कलाम की रूनुमाई हो रही है, मगर अफसानों के मजमूए के बारे में सुनकर ताज्जुब हुआ। लेकिन उनके अफसाने पढ़कर मुझे खुशी हुई, क्योंकि उनकी तहरीर सादा और रवां है और जुमले अगर पंजाबी हैं तो वो माहौल के मुताबिक हैं, वाकयात सच्चे और किरदार हकीकी हैं। इसके अलावा उनकी किताब में दो बातों ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। पहली बात ये कि उन्हें सिटी में रहते हुए 10-15 साल ज़रूर हो गए होंगे, शायद ज़्यादा हो गए, लेकिन तलाश के बावजूद मुझे ऐसा अफसाना नहीं मिला जो यहाँ के पस मंज़र में लिखा गया हो। उनके ज़्यादातर अफसाने उनकी उम्र गुज़िश्ता की झलकियाँ हैं। इसमें बचपन या लड़कपन का दौर और देहात का पस मंज़र, अमीर और गरीब का फ़र्क और इंसानों के अजाब की झलकियाँ हैं। दूसरी बात जो महसूस होती है वो ये है कि जानबूझकर अफसानों को 2-3 सफहात तक महदूद कर रखा गया है। मेरे नज़दीक अफसाने का इख्तसार या तवालत अहम नहीं, अहम बात यह है कि आप जो बात कारी तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें किस हद तक कामयाब हैं, और राणा साहब इस मंजिल से भी कामयाब गुजरे हैं। राणा साहब के अफसाने जहन की इख्तरा नहीं हैं, बल्कि इसमें समाज की सच्चाइयां हैं जिन्हें आरिफ राणा ने देखा और उन पर उनकी निगाह जम गई। उनके अफसानों के किरदार जीते जागते सांस लेते किरदार हैं जिन्हें उन्होंने परखा होगा, तब जाकर उन्होंने इन किरदारों को अपने अफसानों में तराशा है। उनके अफसाने चूँकि सदाकत पर मबनी हैं इसलिए उनमें आप बीती का मज़ा भी मिलता है। जिन लोगों ने उनके अफसाने पढ़े हैं वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि उन्होंने हकीकत को रोमांटिसाइज किए बगैर देखने की कोशिश की है। इंसानी हमदर्दी उनका खास मौजू है। वो ज़्यादातर अपने बचपन और लड़कपन के देहाती माहौल से, दोस्त अहबाब से, जागीरदार और किसान से, अमीर और गरीब से अपने अफसानों के प्लॉट चुनते हैं। जब तक हमारे समाज में अमारत और गुर्बत का इतना बड़ा फर्क बाकी रहेगा, नीली जागीरदारों की भेंट चढ़ती रहेगी। अगर जागीरदार न भी होंगे तो सरमायादार उनकी जगह ले लेंगे। उनके अफसानों के बास किरदार आपको अपने अतराफ भी नजर आ जाएंगे। उनका अफसाना अलमिया पढ़कर याद आ जाता है कि हमारे शहर या मोहल्ले में भी ऐसा कंपाउंडर था जो डॉक्टर बन बैठा था और बिना झिझक लोगों की जानों से खेलता था। इसी तरह मुर्शिद जिंदाबाद पढ़कर भी आपको वो जाली पीर याद आ जाएंगे जो आपके मोहल्ले में अपनी दुकान चमका रहे हैं और लोग बखुशी बेवकूफ़ बनते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। बड़े सदैन की तकसीम पर उर्दू अदब में बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा जाता रहेगा। इसमें कहीं शिकस्ता दिली के आसार नज़र आते हैं तो कहीं नए वतन की कशिश दामाने दिल खींचती नज़र आती है। आरिफ राना ने खन्ना टुक में एक 3 साल के बच्चे की ज़बानी इसकी मंजरकशी की है। वो लिखते हैं, पाकिस्तान पहुंचने तक जो अलमनाक वाकयात पेश आए वो किसी डरावने ख्वाब की तरह झलकियों की सूरत में मेरे जहन में महफूज हो गए। इस अफसाने में उन्होंने जहां कातिलों को नेज़ों पर सर उठाए दिखाया है, वहां ये भी दिखाया है कि रास्ते में एक गांव में हिंदुओं ने मुसलमानों के इस बेयारों मददगार काफले की खाने और पानी से किस तरह तवाज़ा की। ये ज़रूर है कि ज़्यादातर अफसानों में देहाती माहौल की अक्कासी की गई है, लेकिन नंबर मिलाओ और शहरी वाले बाबू में देहात से दूर शहर के माहौल में नौजवानी का दौर भी दिखाया है। अलबत्ता आधा कुआं और बकरी माँ मुख्तलिफ तर्ज के अफसाने हैं। जवाब कौन देगा में वो अपने सहाफ़ी दोस्त को मशवरा देते हैं कि हक गोई और बेबाकी अच्छी चीज़ है, मगर उसे ज़हानत से इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्त जवाब देता है,
हम कोई के लिए अकल की नहीं जुरत की जरूरत होती है। इस किताब में सिर्फ एक अफसाना 6 सफहात पर फैला हुआ है, ज्यादातर अफसाने 2 या 3 सफहों पे खत्म हो गए। इस किताब में सिर्फ एक अफसाना 6 सफहात पर फैला हुआ है जिसका नाम अधियारा है। इससे शायद मतलब है कि 50-50 आधा। ये मेरा पसंदीदा अफसाना है। अधियारा भी देहात के बैकग्राउंड में एक जागीरदार और कमी का अफसाना है। जागीरदार एक खूबसूरत भूरी भैंस खरीद कर लाता है जो उसे बहुत अजीज है। इसकी जरूरत से ज्यादा देखभाल होती है जिसकी वजह से वो मोटी होकर बांझ हो जाती है। जागीरदार बेजार होकर उसे कसाईयों के हवाले कर देना चाहता है, लेकिन उसका कमी खुशिया जिसने इस भैंस की देखभाल की थी वो जागीरदार की खुशामद करता है कि भैंस कसाईयों को देने के बजाय उसे अधियारे पर दे दी जाए। इस पर खुशिया को जमींदार की गालियां और लातें भी खाना पड़ता। किसान जब भूरी को घर लाता है तो उसकी बीवी जो खुद भी बांझ थी बहुत परेशान होती है कि हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे। वो कहती है घर में एक बांझ क्या कम थी जो दूसरी भी ले आए। चौधरी को भी ख्याल ना आया, उसने अपने गले की बला तुम्हारे गले में डाल दी। खुशिया उसे समझा समझा कर थक गया तो उसे छेड़ने के लिए कहता है, जरा सोचो बांझ होने में इस बेजबान का क्या कसूर, ये तो उस मालिक की मर्जी है और भूरी को तो कसाईयों को दे देंगे, तुम्हारा क्या करूंगा। इस अफसाने में नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह दिखाया है कि खुशिया की बीवी शरीफा किस तरह भूरी को बच्चे की तरह पालती है और जब भैंस के बच्चा होने वाला होता है तो वो महसूस करती है जैसे उसकी अपनी गोद भरने जा रही है। जब भूरी एक कटिया को जन्म देती है और जमींदार अपनी भैंस लेने आता है उस वक्त शरीफा की जो हालत होती है उसकी मंजरकशी बहुत अच्छी है। जब चौधरी के कारिंदों ने भैंस खूंटे से खोलकर छोटी भूरी को कंधों पर डाला और लेकर चलने लगे तो शरीफा को लगा जैसे उसके घर से हसरतों का जनाजा उठ रहा हो। शरीफा ने आगे बढ़कर अपना दुपट्टा चौधरी के पैरों में रख दिया और इल्तिजा करने लगी। चौधरी ने जाते हुए कहा, दिल छोटा ना कर शरीफा, तुम ये कट्टी लेकर पाल लेना, तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। भैंस के घर से निकलते वक्त शरीफा ने ऐसी दर्द भरी चीख मारी कि सुनने वालों के दिल दहल गए। वो हिचकियों में चौधरी के पैरों से अपना दुपट्टा समेटने लगी और खुशिया को तो जैसे चुप लग गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आनन फानन की क्या हो गया। उसके घर में सदियों बाद लगने वाला मेला 2 घड़ी में कैसे उजड़ गया। शुक्रिया। आरिफ राणा साहब के अफसानों में समाज की सच्चाइयाँ उजागर हुई हैं, लेकिन कनीस फातिमा साहब ने मतलब मुझे नहीं मालूम क्यों जायदे खुश मिजाज भी कहा है। राणा साहब को तब इस तरह के फतवे बहुत सुनने को मिलेंगे, लेकिन अब ये मौका नहीं है कि जायदे खुश मिजाज की इसका मुतजाद लफ्ज़ क्या होगा, खुश मिजाज का तर मिजाज, ये कि उनकी तर मिजाजी के किस्सों का ये मौका या वक्त नहीं है, इसलिए उससे मैं गुजर करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इस महफिल में बहुत हमारे अहम लोग, बहुत जो लोग या हमारे कम्युनिटी के बहुत ही जो एक सरकर्दा लोग हैं वो यह तशरीफ रखते हैं। इफ्तिखार राणा साहब हैं जो हमारे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे परवेज भुट्टर साहब हैं जो कि हमारे बहुत ही एक सीनियर और एक लीडिंग लॉयर्स जैसे हैं पाकिस्तान के, और एक ज़माने में तो शायरी भी करते थे, पता नहीं क्या हुआ, वो एक ड्रामा आजकल स्टेज करने वाली है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन तशरीफ थी आप सब लोगों का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और महफिल में तशरीफ लाया। इसके बाद में जनाब मोहतरम आरिफ सादिक साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाए। आरिफ सादिक साहब हमारे उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के बानियों में से हैं और बहुत अच्छे अहम शायर हैं, मेरे कम से कम बहुत पसंदीदा शायर, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाए। पहली बार जब मैंने बाबा मोहम्मद याह्या खान का मशहूर नावल पियादन काला पढ़ा
तो अजीब तरह की हैरत हुई। एक नावल में शामिल कहानियों के पुर इसरार और तहैर खेज वाक़ियात की हैरत और दूसरी उर्दू ज़ुबान और नावल के इम्कान की वसत पर हैरत हुई। दूसरी बार यह हैरत जनाब आरिफ राना के अफसाना के मजमूआ आधा कुआं को पढ़ते हुए हुई, मगर इस हैरत की नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। किताब के सफ़ा 3 पर आरिफ राना ने मैं और मेरे रिश्ते के नुआन से अपने पूरे ख़ानदान का जिक्र किया है। ये आम तौर पे नहीं किया जाता, लेकिन राना साहब की सच्चाई है, दयानतदारी है, उन्होंने उसका जिक्र किया है। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इस सफ़े पर आधा तारुफ मेरा और मेरे ख़ानदान का है। इसकी तफसील फिर किसी और मौका पर बयान करूँगा। दूसरी बार हैरत आपका अफसाना खन्ना टुक पढ़ने के बाद हुई। इस कहानी का आधा से ज़्यादा हिस्सा अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ मेरी और मेरे ख़ानदान की जालंधर से मौतमुंदी तक हिजरत का किस्सा है। मुझे सिर्फ एक फ़र्क है कि मैंने कभी आधी रोटी बचाकर जेब में नहीं रखी, पूरी खा लेता हूं और ये आदत आज तक नहीं बदली। किताब की इब्तदा में मोहतरम शाह साहब ने अशफ शाह साहब ने आरिफ राना का नया सफ़र के उन्वान से साहब किताब और किताब दोनों का मुख्तसर मगर जामे तारुफ कराया है। इसे पढ़ने के बाद मेरे जहन से कुछ वसवसे दूर हो गए और मैंने तमाम अफसाने पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ पढ़े। मुझे अशरफ शाह साहब की सराय से इतफाक है कि आरिफ राना की लिखी हुई बेशतर कहानियों ने देहात की कोख से जन्म लिया है, मगर मुझे इस बात पर कतन हैरत नहीं कि निसफ सदी से शहरी जिंदगी गुजारने के बावजूद उनके अंदर का देहाती नौजवान शहरी बाबू पर हावी है। हैरत मेरी अपनी सूरत बिल्कुल ऐसी ही है कि निसफ सदी से शहरी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर अपने आप को गांव से अलग नहीं कर पाया। मैं इस अंग्रेजी कहर, मैंने जो लफ्ज़ दानिश्ता इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी में सेम कहते हैं, उर्दू में हम कहावत कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहत जो है वो सेंग का ज़्यादा परफेक्ट मेरा ख्याल है, उनके लिए मैं गलत कह रहा हूँ, मैं इस अंग्रेजी कहत को सच समझता हूँ। यू कैन टेक बॉय आउट ऑफ द विलेज, यू कांट टेक द विलेज आउट ऑफ द बॉय। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एक खुशगवार हैरत इस बात पर भी हुई कि इसने शामिल कई कहानियों का माहौल और किरदार मेरे देखे वाले हैं, मैं उन्हें पहचान सकता हूं और उनके साथ रिलेट कर सकता हूं। आधा कुआं में 26 अफसाने शामिल हैं, जिनमें से बेशतर मुख्तसर अफसाने या शॉर्ट स्टोरी की तारीफ पर पूरे उतरते हैं। हर अफसाने पर अलग तबसरा करना चूँकि मुश्किल काम है, लिहाजा मैंने अपनी और आप सबकी सहूलत के लिए इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा वो है जिसमें मुसन्नफ़ के बाज़ अफसाने जो मुसन्नफ़ के ज़ाती तजुर्बात लगते हैं, इनमें नामहरम और खन्ना टुक शामिल हैं। मुझे ख़दशा है कि नंबर में ना होगी उन्हीं में शामिल हो सकता है। दूसरा हिस्सा उन अफसानों पर मुश्तमिल है जो मुसन्नफ़ के करीबी मुशाहदात पर मुश्तमिल हैं, इनमें मेरा फिरू जिंदा है कि अफसाना भी हिजरत के हिंदुस्तान से पाकिस्तान तकसीम के वक्त जो लोग आए हैं उन्हीं के पस मंज़र में लिखा गया है। माई खैरा, मुश्किल जिंदाबाद, शीदा बंदूक वाला, अध्यारा और नूरा शामिल हैं। तीसरा हिस्सा या तीसरे अफसाने वो हैं दीगर कहानियाँ जो उनके अमूमी मुशाहदात और देही जिंदगी से मुतलका समाजी और तबकाती नाहमवारियों और शहरी ज़िंदगी की तलखियों और इंसानी अलमियों पर मुश्तमिल है। इनमें 54, 50 रुपये, आधा कुआं, कितने पैसे दोगे, बड़ी मजबूत कहानियां हैं। 2 अफसाने ऐसे हैं जिनके बारे में मैं अलग बात करना चाहता हूं। शहरी वाले बाबू एक सादा मगर खूबसूरत कहानी है। झुग्गी वाले होटल के मालिक पठान का किरदार एक मुस्बत और मजबूत किरदार है जिसकी सादगी और इखलास आपको मुतासर करता है। दूसरी कहानी कालियाँ इतना काड़े रोड है, कितना अच्छा होता
कि यूसुफ ना होते हुए भी उनका कुर्ता पीछे से फटता या बिल्कुल ना फटता, और इससे ना सिर्फ नसरीन की मासूम मोहब्बत का भरम रह जाता बल्कि दोस्ती का इतबार भी कायम रहता। आरिफ राना का असलूब सादा और बयानिया है, जुबान सहल और आम फहम है और कहीं कहीं पंजाबी जुबान के तड़के से खूबसूरती पैदा हुई है, मगर उस कारी के लिए जो पंजाबी जुबान को समझता हो। बसूरत दीगर किसी से मतलब पूछना पड़ता है, ख़ास तौर पर खन्ना तो ऐसा लफ्ज है जो जालंधर और होशियारपुर के इलाके से मखसूस है और पंजाब के दीगर अजला में ये लफ्ज़ इस मानी में नहीं बोला जाता। आरिफ राना अपनी सोच के एतबार से तरक्की पसंद है मगर इसका प्रचार नहीं करते, अलबत्त मुल्लाओं और पीरों के बारे में उन्होंने बहुत खुल कर लिखा है। मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है, इस सिलसिले में मुर्शिद जिंदाबाद एक अच्छी कहानी है। आधा कुआं का आखिरी जुमला कुत्ता मौलवी अगरचे एक फितरी रद्द अमल के तौर पर कहलवाया गया है मगर आम कारी के लिए काबिल तशवीश हो सकता है। इसी तरह मुल्ला गजीदा में जहाद कश्मीर के हवाले से लिखी गई कई बातें भी बाश तशवीश हो सकती हैं, ख़ास तौर पर आखिरी जुमला बहुत मानी खेज है कि गोली उधर से चली है या इधर से चली है। मुझे इस बात से भी थोड़ी हैरत हुई कि चार पांच कहानियों का मरकजी ख्याल एक ही नुक्ते के गिर्द घूमता है, उसने इत्तफाक में लिखे गए बाद जुमलों से भी इज्तनाब किया जा सकता था। मेरी दियारदाराना राय है कि आरिफ राना के अफसानों में तमाम फनी और तकनीकी खूबियाँ मौजूद हैं, उनका उसलूब सादा मगर मुनफरद है और कारी को उनकी बात समझने में कोई दुश्वारी नहीं होती। मैं राना साहब को उनके अफसानों के पहले मजमू की इशारत पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो अफसाना नगारी के सिलसिले को जारी रखेंगे और हमें जल्द ही उनके दूसरे मजमू को देखने का मौका मिलेगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला राना साहब को सेहत कामला अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इन तख्लीकी काम को जारी रखने की हिम्मत अता करें। मैं जब कह रहा था कि यहाँ जो लोग हमारे सभी हैं मैं भी तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन बाज़ात ऐसा होता है कि चिराग तले अंधेरा हमेशा हुआ करता है, तो वो यहाँ भी हुआ है और हमने अब तक एक बहुत ही अहम शख्सियत का जो यहाँ मौजूद है उनका जो तस्करा किया और आप नाम उनका नहीं लिया हमने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फरीदा राना साहिबा भी यहाँ मौजूद है। जावेद चौधरी साहब की अहमियत जो है ना वो तो इतनी मुसल्लम है कि आप ना भी कहें तो मुसल्लम रहती है। जावेद चौधरी साहब को हम कैसे नज़रअंदाज या दरगुजर कर सकते हैं भाई, ये तो लेकिन मैं फरीदा राना साहबा के हवाले से, इसलिए कि वैसे तो फरीदा राना साहबा को भी यहाँ मेरा ख्याल में बैठना चाहिए था राना साहब के बराबर में, और ये शायद गलती मेरी हो क्योंकि जो तख्लीक का जो अमल है, तख्लीकी अमल है, वो ख्वाब शायरी की शक्ल में हो, अफसानों की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो आपकी अपनी शरीक हयात के ताउन और उनके सपोर्ट उसके बगैर जो है वो मुमकिन ही नहीं है। और मैं मुझे यकीन है कि जो एक इनती राना साहब ने जो एक नया सफ़र अफसान नवीसी का शुरू किया उसमें यकीन फरीदा राना साहबा का एक भरपूर उसमें उनका साथ और ताउन और उनकी सपोर्ट उनके साथ रही होगी, जिसकी वजह से वो एक इतना अच्छा और ख़ूबसूरत एक मजबूआ जो है वो हमारे सामने पेश कर सके हैं। मैं अब अपने बहुत ही मोहतरम डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आरिफ राना साहब के इस किताब के बारे में कुछ कहें। डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब के भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यहाँ पर उर्दू और उर्दू अदब के हवाले से जितना भी काम हुआ है डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब का उसमें सबसे नुमाया होता है हिस्सा है, बहुत अच्छे शायर भी हैं और इसके अलावा इनकी उनका एक मजमू कलाम भी जो है वो शाये हो चुका है। जनाब डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब। जनाब आरिफ राना साहब, मिसेस फरीदा राना, खवातीन हजरात, फसाने में हकीकत से ज़्यादा लुत्फ़ होता है, फसाने में हकीकत से ज़्यादा लुत्फ़ होता है,
हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं। सबसे पहले मैं जनाब आरिफ राना साहब को उनकी तख्लीक आधा कुआं की इफ्तिताही तकरीब पर मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें आरिफ राना साहब ने बड़ी मेहनत और काविश से हकीकी वाक़ियात को मुख्तसर अफसानों में पेश किया है। जिस तरह राना साहब ने खुद फरमाया, उनकी अहलिया मोहतरमा फरीदा राना भी मुबारक की मुस्तहिक हैं। इस किताब का अनवान एक अफसाने के नाम पर है, मगर बहुत ही मानवी है और किताब के बहुत से अफसानों की तह समेटे हुए है। किताब का टाइटल गालबन नसीर मलिक साहब ने बनाया, जिसमें बहुत जाज़बियत है और उसके अनवान की अक्कासी करता है। किताब की पुष्ट पर जब नज़र की तो मैं चौंका, साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था। मैंने तस्वीर दिखाते हुए पूछा, जानते हो ये कौन है? तो उसने बेसाख्ता कहा, अब मैं बताऊं या बाद में? किताब आप लोग पेश कर देंगे? शशि कपूर। माशाल्लाह, किताब के जेवर में आपकी जवानी भी छलकती है, फन और आर्ट की मुनासबत से ये रिश्ता बुरा भी नहीं। किताब की इब्तदा में जो आपने अपना और अपने ख़ानदान का तारफ करवाया और जिसका आरव भाई ने भी जिक्र किया है, उससे आपकी शख्सियत में आला इंसानी इकदार, मोहब्बत, वफा, कुर्बानी, दर्द और गहरी सोच की खुशबू आती है। ऐसी खुशबू जो अपनी धरती माँ से जुड़ी है, उन औसाफ का परतव आपके अफसानों में बिखरा हुआ है। इस किताब में 26 अफसाने हैं जिसका जिक्र हुआ। मैं इस बात का एतराफ़ करता चलूँ कि ज़ाती तौर पर मसरूफियात की वजह से हमेशा वक्त और काम ज़्यादा वाला मरहला रहा है, इसलिए लंबी नसरी तहरीरों को पढ़ने के शौक़ के बावजूद हौसला नहीं होता कि पढ़ा जाए। लेकिन आरिफ राना साहब के मुख्तसर हकीकत पे मबनी अफसानों को इतना दिलचस्प पाया कि अफसाना शुरू किया और उसके शहर में गुम हो गया। आसान ज़बान, मंजर कशी और ऐसी कहानियाँ जो कि कारी की अपनी नज़र से गुजरी हैं या सुनी गई हैं या माजी की तारीख ने कलम बंद किया है, जैसे कल जिंदा थी उसी तरह आज भी जिंदा है, करंट अफेयर की तरह कारी के जहन में और दिल पर इस तरह असर करती है कि ज़ाती वारदात लगती है। अफसाने का कमाल ये है कि 5-7 मिनट में इसके शहर में कारी इस तरह गिरफ्तार होकर दुनिया से काट कर उस वादी में खो जाए जहाँ के कहानी को हकीकत समझकर उसका खुद किरदार बन जाए और अफसाने के क्लाइमैक्स से भरपूर लुत्फ़ानंदोज़ हो। आरिफ राना के बहुत से अफसानों को पढ़ते हुए मैंने ये महसूस किया और आपके इस फन के कमाल की कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। आरिफ राना पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की इब्तदा या बुनियाद रखने वालों में आपका भी नाम है और तरक्की के मदारिज तय करता हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न जिस मुकाम पर आज है, उसमें आरिफ राना की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप एक तजर्बाकार, कामयाब, मेहनती, डिसिप्लिन शख्सियत हैं जिनमें टीवी प्रोड्यूसर, थिएटर डायरेक्टर, शायर, गीत नगार, मौसीकी और अफसाना नगारी के कई रंग नज़र आते हैं और इस लिहाज से आर्ट और अदब में आपकी खिदमात काबिले तहसीन हैं। नीलाम घर जिसका जिक्र हुआ, एक लीजेंड प्रोग्राम जिससे पाकिस्तानी टेलीविज़न की पहचान हुई, उसके खालिक भी आरिफ राना है। शायरी अदब आपकी बूटी में ऐसी लगन से है कि गर्दश में जहर भी है, मुसलसल लहू के साथ मरता भी जा रहा हूँ मैं अपनी नमो के साथ। अदब किताब में अफसानों के किरदार, आपके तवील तजर्बात
जो कि गांव और शहर और बल्कि मैं कहूंगा कि कौमी और बैन अल-अक़वामी राबतों से मुंसलिक हैं नज़र आते हैं, जो कि हकीकत की अक्कासी करते हैं, इसलिए और भी दिलचस्प हैं। मैंने अपने गांव की मस्जिद में खुद आधा कुआँ देखा है और इसलिए मैंने इसको बहुत रिलेट किया। एक आम कारी की हैसियत से जिन अफसानों ने मुझे बहुत मुतासर किया उनमें सबसे पहले नीली है, जो जिसका भी काफ़ी जिक्र हो चुका है। इससे पढ़ते हुए मुझे खुद अपना गांव याद आ गया। उसमें वो वाकयात और मनाजर हैं जो मुनफरद हैं एक दही माहौल से। उस ज़िंदगी का नक्शा नहायत महारत से खींचा गया। अय्याश चौधरी कल्चर और मजलूम गरीब लोग जिन्हें अपनी मर्जी से मुस्कराने और ना रोने का ही हक है। गाँव के माशरे के नासूर की दास्तान आरिफ राना साहब का ये अफसाना फन के कमाल पर है। दूसरा अफसाना अलमिया अफसाना है, जो कि हेल्थ सिस्टम में डी रेगुलेशन का अलमिया है, जिसमें क्वैक डॉक्टर बनकर लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं। ये बेलगाम निज़ाम गाँव के अलावा कराची जैसे बड़े बड़े शहरों में भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक अफसाना कीमती मशवरा है। इस अफसाने में इखलाकी इकदार सोशल स्टेटस की दौड़ माशी बदहाली में घिरकर लो एस्टीम से सोसाइटी में जो बदकिरदारी आ रही है उसे बड़े महारत से पेश किया गया। जवाब कौन देगा, ये एक ऐसा अफसाना है जो एक सहाफ़ी की ज़िंदगी का नक्शा जो बासूल और सच्चा है। एक इंसाफ पसंद इंसान जिसको हक बात करने पर कत्ल कर देते हैं। और मुझे मुस्तफ़ा ज़ैदी का वो शेर याद आया कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। एक और अफसाना जिसने मुझे बहुत मुतासर किया वो माइक खैरा है। इस अफसाने को भी पढ़कर मुझे बचपन में अपने मोहल्ले की आपा फामा मासी खुजी और ताई आमना याद आ गई, जिनकी कसीर तादाद में औलाद थी और गाली गलोच में एक कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ और कभी एक दूसरे की मदद करने में लड़ाई करती थी और आखिर में बच्चे जवान करते करते दर्दनाक बीमारी से इलाज बिना मर गई। औलाद और माँ बाप के दरमियान रिश्तों की बेसबाती तमाम दुनिया में नज़र आती है। मादी ख्वाहिशात ने इखलाकी हकूक और फ़राइज़ कमज़ोर कर दिए हैं। एक मेरा मरीज़ कह रहा था कि मैं अपनी माँ को नर्सिंग होम भेजने की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो तैयार नहीं होती। हालांकि वो अपने घर में इंडिपेंडेंट रहती है, उसके भी बाकी तीन भाइयों भाई तो फ़ोन भी नहीं करते और उसे रोज़ अपनी माँ को देखने के लिए जाना पड़ता है और ये ज़हमत करनी पड़ती है। तो इस एक ये बड़ा गर्व है सोसाइटी का और आरिफ साहब की गहरी नज़र ने इसको कैमरे की तरह कैच किया है। मुल्ला गजीदा, ये ऐसे मुल्ला की कहानी है जो अपने ज़ाती फवायद की खातर मज़हब को मैनिपुलेट करके फसाद डालते हैं और मासूम लोगों के जहनों को तब्दील करके उनकी ज़िंदगियों से खेलते हैं और तफरका डालते हैं। हमारे यहाँ ये एक संगीन मसला है। एक सफ़ा मैं इस अफसाने को आरिफ साहब ने बड़े कमाल फन से निभाया है। आधा कुआँ, जिस जो कि किताब का अनवान भी है और एक तलख हकीकत है, इंसान की ज़ाती कमज़ोरियाँ, जिनसी तकाज़े, लोगों के बेपनाह एतमाद और सोसाइटी में ऐसे इंसान को फरिश्ता समझ लेना या मजहबी रहनुमा है, जो गांव, शहर और तमाम दुनिया का मसला है। गांव के माहौल की खूबसूरत अक्कासी और हकीकत पर मबनी अफसाना है और मुसन्निफ़ की गहरी नज़र को सराहना पड़ता है। खन्नाटुक, जिसका जिक्र हुआ, पार्टीशन की दास्तान, एक रिश्ते हुए दर्द की कहानी, एक अच्छा अफसाना है, हमारी तारीख का संग मील भी है। जेब पर हाथ, ये एक हमारी करप्शन की जो कहानी है, पुलिस की रिश्वत सतानी,
इस अफसाने से इस नासूर को बेनकाब किया गया है। बाइज़्ज़त बरी, ये एक ऐसा अफसाना है जो हमारी धरती की दुख भरी कहानी है। वो कातिल हैं मगर इल्ज़ाम कत्ल उन पर ना आएगा, वो कातिल हैं मगर इल्ज़ाम कत्ल उन पर ना आएगा, बस एक मज़लूम का रंगे लहू मक्तल सजाएगा। कातिल बरी हो जाता है क्योंकि कोई गवाह नहीं पेश होता। एक अच्छा अफसाना है भूरा मस्त। ये भी जब मैंने अफसाना पढ़ा तो मुझे कई भूरे मस्त याद आए। मैं बचपन जो मैंने बचपन में देखे, मजलूब गर्मी सर्दी और लिबास से बेलियाज, किसी ने फ़कीर और वली बना दिया, बच्चों के हाथ चढ़ा तो पथराव से लहू लहान कर दिया, रहने की कोई जगह नहीं, जहाँ रात पड़ी वहीं बसेरा कर लिया, अजाब में बेबसी में इतनी तवील उम्रें, लोगों की जहालत नाफहमी बेनियाजी नफ्सियाती मरीजों की नेगलिजेंस लोगों की मिसइंटरप्रिटेशन और सोसाइटी में अदारे ना होने की वजह से भूरे मस्त जुल्म की मग चक्की में पिस कर मर जाते हैं। आरफ राना की दूरबीनी नज़र का करिश्मा काबिले तारीफ अफसाना है। शीदा बंदूक वाला और भूरी, ये दो अफसाने हमारे माशरे में दही इलाकों में अमूमी तौर पर और शहरों में खसूसी तौर पर इंसानी दर्जों की तकसीम, जिसमें अमीर चौधरी है और गरीब कमी है, कमी की बेटे और नस्लें कमी रहेंगी, माशरे में इनकलाबी अफसाने, न जाने रोटी के इन नवालों पे किसका हक है, न जाने रोटी के इन नवालों पे किसका हक है, गले से उतरे जो एक तो दूसरा ना उतरे। उसने इत्तफाक, ये एक ऐसा अफसाना है जो बहुत ही सब्जेक्ट है हमारे माशरे का, बेजोड़ शादी के मौजू पर, जिसमें आम तौर पर औरत मजलूम है, जिसका मंजर यूँ है कि ओढ़नी के पल्लों में चुपके चुपके रोती है, बे अमां मुशक्कत की संग दिल साउबत में, ये गरीब क्या जाने सुबह क्यों चमकती है शाम कैसे होती है। मुख्तसर अफसाने में आरिफ राना साहब ने खूब निभाया है। और आखिर में एक दो और हैं कि जो ख़ास मुझे जिसने स्ट्राइक किया, कालियाँ ईंटां काले रोड, और दूसरा मैंने खुद ही कह दिया कि मी वसाए जोरो जोर, कि बचपन में ये चूँकि हम भी कहते थे मुझे इसलिए ये याद आ गया कि, लेकिन आपने ये बहुत ऐसा मंजर खींचा कि मैं उसी में उस देहाती उन गलियों में मैं चला गया कि इंसानी कमज़ोरियों की ऐसी कहानी जिसमें करैक्टर टेस्ट होता है जो हकीकत पर मबनी है और तहजीब के अहाते में एक मुश्किल बात को फ़नी एतबार से आरिफ राना साहब ने बड़ी महारत से उसको निभाया है। और इसका जो अक्स है वो भी उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जनाब आरिफ राना के अफसानों में सब जिंदा किरदार हैं, दही और शहरी ज़िंदगी के वाक़ियात हैं। मुख्तसर अफसाना सादा ज़ुबान तकनीकी मराहल की मनाजर तय करते हुए दिलचस्प क्लाइमैक्स के साथ सिडनी में ये किताब हवा का एक ताज़ा झोंका है। आरिफ राना के अफसाने उनके दिल के कर्ब से निकले हैं। और आखिर में मैं इन दो अशार पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसकी बड़ी पुर असर तर्जमानी है इन शेरों में। ये एक पंजाबी का मिसर शेर है कि किसे होर किसे दे अंदर, किसे होर किसे दे अंदर ते दर्द अपने कुछ होवन, किसे होर किसे दे अंदर ते दर्द अपने कुछ होवन, ते बिन पीड़ा तासीरा नहीं बिन पीड़े कदरों। जिंदगी के कर्ब से
जो इंसान महसूस करता है और कहता है उसका कोई और ही असर होता है। और आज उस सांस से बारूद की बू आती है। मैंने जिस सांस को समझा था दमे ईसा है। हम आरफ राना साहब को उनकी इस तकलीफ पर आप सब की तरफ से बहुत मुबारकबाद देते हैं और दुआ है कि इस सफ़र में अल्लाह मजीद शौक और बरकत दे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती से हम किनार करें। शुक्रिया। जो साहिब किताब आरिफ राना साहब है, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब आरिफ राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा खलीज यास्मीन शाह साहिबा, अशरफ शाह साहब, मेरे दोस्त अहबाब भाई बहने, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने ख्याल का इजहार अपनी किताब की सूरत में कर चुका हूँ, कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। हम अपने हिस्से के दुख सह भी चुके, जो कहना था वो कह भी चुके। अब जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ। मैंने जब अफसाने लिखना शुरू किए तो मेरे जहन में ही वो तमाम बातें थीं जो पाकिस्तान में भी और यहाँ भी अहबाब ने बयान की। मुझे इंतहाई खुशी है कि मैंने जिस जज्बे के साथ इन कहानियों को लिखा, उनके बारे में जो तासुरात पाए, वो तकरीबन मेरे ख्याल से मिलते जुलते थे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे दोस्तों ने मेरे ख्याल का भरम रखा। अब तक जितनी भी बातें हुई उनमें उस शख्सियत का नाम नहीं लिया गया जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है। वो है हमारी बहावलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो यहाँ डॉक्टरेट करने आई हैं, मोहतरमा बुशरा नाज साहब। यह ज़रूरी है कि मैं उस मुहर्रक का जिक्र करूं जिसने मुझे इस तरह रागब किया। बीवी से तो डांट सुनता रहा, ये दुरुस्त करते वक्त भी मुझे डांटती रही, ख्यालात को इधर उधर होते देखकर भी डांटती रही कि ये क्या तुम लिख रहे हो, इसका तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसे नहीं लिखा जाता। तो ये इस अंदाज से मुझे गाइड करती रही। लेकिन बुशरा नाज साहिबा जो डॉक्टरेट यहाँ कर रही हैं अंग्रेज़ी लिटरेचर में, उनकी बहुत गहरी नज़र है उर्दू लिटरेचर पर। मुझे हैरत हुई कि इतनी बारीकी से ये मेरी कहानी को पढ़ती थी और उसके ऊपर इतना प्रिसाइज तबसरा करती थी कि मुझे कई दफ़ा सोचना पड़ता था कि आया मैं अपना लिखा हुआ रखूं या इनका कहा हुआ मानूं। अक्सर कहानियों में इन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं चूँकि बीमारी की वजह से डिप्रेशन में था, डिप्रेशन में निकालने में जहाँ फरीदा का हाथ है वहाँ बुशरा नाज साहब। इन्होंने कहा अंकल क्या सारा दिन बैठे आप टीवी देखते रहते हैं, आपको लिखना चाहिए। मैंने कहा क्या लिखूं? कि आप बीती लिखें। मैंने कहा बीबी आप बीती मेरे नज़दीक कोई अदब नहीं है, अगर मैं कुछ लिखूंगा तो अदब लिखूंगा। बहरहाल मैंने बहुत अरसा पहले 74 में एक कहानी लिखी थी अध्यारा, जो कई दफ़ा अखबारात के अरबी सफ़ों में भी शाये हुई और मैगजीन में भी शाये हुई, तो मुझे थोड़ा सा तजुर्बा था। लेकिन ज़्यादा तजुर्बा मेरा मेरी अपनी फ़नी ज़िंदगी से जो मुझे मिला वो इन कहानियों में भी मैंने इस्तेमाल किया। कहानी को शुरू करने में, उसका सस्पेंस रखने में, उसका इख्तिताम करने में, पंच लाइन देने में, ये सारे जो तजुर्बात थे ये मेरे इस कहानी किताब में काम आए। बहुत ज़्यादा तस्करा हुआ है कहानियों के इख्तसार का, तो मेरे एक दानिश्वर दोस्त ने एक दफ़ा कहा था, ए टाइम कम्स वेन कैरेक्टर टेल्स द ऑथर टू एंड द स्टोरी।
कि एक वक्त आता है जब किरदार खुद कहता है अदीब से कि यहाँ कहानी खत्म कर लो। चुनाचे जहाँ मेरे कैरेक्टर ने मुझे कहा कि दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, आई स्टॉप राइटिंग, यही शायद मेरी कहानियों में ज़्यादा बात कशिश रखती है कि मैंने अपनी मर्जी से फिर कहानी को आगे नहीं बढ़ाया। आधा कुआं का मौलवी जब लड़की को भगा के ले जाता है तो उसके बाद बहुत सारा रोना रोया जा सकता था, लेकिन मैंने एक जुमले पे कहानी खत्म कर दी कि चीखा और चीखे कहा कुत्ता मार दे। मेरी महबूबा को भगा के ले गया, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता था, सिर्फ इतना ही कहा कुत्ता मार दे। ये मैंने नहीं कहा, ये किरदार ने मुझे कहा कि बस इसके आगे कुछ ना कह। तो ऐसी बहुत सारी बाकी कहानियों भी है, मैं अपने कहानियों के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। मैं मशहूर हूँ उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया का, जिन्होंने आज की तकरीब के एहतमाम में मेरी मदद की और जिनकी छतरी के नीचे आज ये तकरीब हो रही है। मुझे जब पता चला कि अशरफ शाह दोबारा 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब हलचल होगी, अदबी महफिलें हुआ करेंगी, मुशायरे हुआ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 10-20 लोग मिलकर किसी तहरीक को चलाए, तहरीक को चलाने वाला एक आदमी ही काफ़ी होता है और अशरफ शाह इसमें से ये सेहरा इन्हीं के सर है कि इसके अलावा मुझसे पूछने लगे कि तकरीब की सदारत कौन करे। मैंने कहा जो सिडनी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, ना सिर्फ सिडनी में बल्कि पूरी दुनिया में जिसका नाम है, वो चंद लोगों में जिनका शुमार होता है, उस हस्ती को मेरी इस किताब की प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन में सदारत करनी चाहिए। कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा आप भी कमाल करते, आप अपनी बीवी को अहमियत नहीं देते। मैंने कहा कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में और पूरी दुनिया में वो उन चंद लोगों में शुमार होती हैं जो एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो मैंने कहा आप कनीज़ यासमीन को मेरी तकरीब की सदारत के लिए मेरी तरफ से दरख्वास्त करें। तो मैं बहुत मशहूर हूँ उनका, बावजूद इसके कि उनकी वालदा की अदालत के और उनके अपनी मसरूफियत के उन्होंने आज की शाम हमारे लिए वक्त किए। मैं एक बार फिर तमाम अहबाब का, ख़ास तौर पर बुशरा नाज साहबा का इस बुरी महफिल में फिर एक दफ़ा एतराफ़ करता हूँ उनकी मदद का। और इसके अलावा अगर आप इजाज़त दें तो मैं फरीदा राना साहबा का भी बरमला उनकी खिदमात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी बेटी शर्मीन राना, जिसने अभी तक मेरी किताब नहीं पढ़ी, रोज़ ये कह देती हैं नहीं नहीं अबू मैं पढ़ूँगी, मैं ज़रूर पढ़ूँगी, वक्त नहीं मिलता। आज की जो यहाँ पर जो इसका इंतज़ाम है चाय का, वो इसने किया है। और तमाम मेरे वो नवासे भी तीनों आए हुए हैं, जो कभी किसी की बात नहीं सुनते, हाई नाना की मदद को आए। तो मैं उस्मान राना, ज़ुहेब राना और ज़ैन राना साहब का भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं अब डॉक्टर फातिमा को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो अपनी तकरीर करें। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान खुसूसी मोहतरमा उज़्मा गिलानी साहबा तो तशरीफ़ ले जा चुकी हैं अपने ज़ाती वजूहात की बिना पर, तो मैं अब सरपरस्त उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया जनाब डॉक्टर शब्बीर हैदर साहिबी किताब जनाब आरिफ राना साहब और ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले जनाब आरिफ राना साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने
مجھے آج کی اس پروقار تقریب کی صدارت کا اعزاز دیا ہے. یہ میرے لیے پہلی بار ہوا ہے. میں کسی ادبی نشست اور اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے فنکار کی کتاب کی صدارت کروں. بہت بہت شکریہ عارف رانا صاحب آپ کا. اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ادیب کے لیے اس کی کتاب کی تقریب پذیرائی کتنی اہمیت رکھتی ہے. وہ انہیں اپنی تخلیقی سفر جاری رکھنے کے لیے نئی توانائی دیتی ہے. آپ کو ایک اور کتاب لکھنی ہے, جب آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ دوسرا سیشن آ رہا ہے, دوسری ایشو آ رہا ہے. اور یہ توانائی پھر اب آپ کو کبھی تھک کر بیٹھنے نہیں دے گی. مجھے یقین ہے کہ جناب عارف رانا نے آدھا کنواں سے جو اپنا تخلیقی سفر شروع کیا ہے, وہ ہمیں اس طرح کی اور کئی کتابیں اور ان کتابوں کی تعارفی تقریبات منعقد کرنے کا موقع دیتا رہے گا. اور مجھے بھی ایسی, میں اپنے آپ کو خوش کر رہی ہوں, اور مجھے بھی ان تقریبات کی صدارت کا موقع ملتا رہے گا. عارف رانا صاحب کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بہت دوست نواز ہیں, بہت دوست نواز ہیں اور اقربا پرور بھی ہیں. کرسیاں اپارٹمنٹ لگے تو صرف اپنے اپنوں کو دے دی, ایک اپنی بہن کو اور ایک اپنی پی ٹی وی کی پرانی ساتھی عظما گیلانی کو. تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اردو انٹرنیشنل پر بھی اقربا پروری کا الزام آ جائے گا, اور ویسے ہی مجھے بہت ڈر لگتا ہے اشرف کے ساتھ بیٹھنا. لیکن وہ اشرف کو مشکل میں ڈالنے پر بزد تھے. عارف رانا صاحب سے ہماری ملاقات تو ان کے سڈنی آ کر بچ جانے کے بعد ہوئی, لیکن میں انہیں پاکستان سے ان کے نیلام گھر کے شو کی زمانے سے جانتی ہوں. نیلام گھر ٹی وی کے پورے عہد پر محیط ہے. یہ شو ٹی وی دیکھنے والوں کی رگوں میں جادو کی طرح سرایت کر گیا. اسلام آباد میں آدھا کنواں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طارق عزیز نے, جو نیلام گھر کا چہرہ تھے, اعتراف کیا کہ نیلام گھر میں انہوں نے بھی بہت محنت کی تھی, لیکن اس کو کامیاب بنانے میں 70-80% عارف رانا صاحب کا شامل. لیکن اس وقت میں نے ٹی وی میں دیکھا انہوں نے 60 کہا, لیکن میں سمجھتی ہوں 70-80% جی. لیکن غیر سے مسامین آتے کیسے ہیں, اس کی سائنسی توجیہ نہیں ہو سکی. تھیوریز ہیں لیکن سائنسی شہادتیں ابھی تک مبہم یعنی ویگ ہیں. اچھا, آسان زبان میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تخلیقی کام کرنے والوں کے دماغ میں, معاف کیجئے, کوئی خلل ہوتا ہے. وہ مصوری کرتے ہوں, شاعری یا افسانے لکھتے ہوں, ان کے دماغ کا سرکٹ مختلف ہوتا ہے. اس لیے آج کی اس تقریب میں بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو تخلیقی کام نہیں کرتے, خوش ہونا چاہیے. سارا, تم نے تو کتاب بھی نہیں پڑھی ابھی تک اپنے ابو کی, کہ وہ دماغی طور پر صحت مند ہے, نہ تو ان کے دماغ میں کوئی خلل ہے اور نہ ان کے کوئی سرکٹ ٹیڑھا ہے. لیکن یہ تخلیقی کیفیت کی کوئی بیماری نہیں, یہ تخلیقی کیفیت کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ ایک غیر مرئی اور ایک غیر معمولی صلاحیت ہے جسے ہم سراہتے ہیں, لطف بھی لیتے ہیں اور جس سے سرشار بھی ہوتے ہیں. تخلیقی کام 9 سے 5 بجے تک کی نوکری نہیں ہے. تخلیقی عمل وقت کا پابند نہیں ہے. یہ بجلی کسی وقت بھی چمک سکتی ہے. میرا خیال ہے عارف رانا صاحب کو یہ یاد بھی نہ ہوگا کہ ان کا کون سا افسانہ, اس کا خیال اور پلاٹ کب دماغ میں آیا اور کب کاغذ پر منتقل ہو گیا. یہ ایک دن کا نہیں, زندگی بھر کا کام ہے. کوئی رات و رات شاعر یا ادیب بن بھی نہیں سکتا. آدھا کنواں پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب افسانے جو آج لکھے گئے ہیں عارف رانا صاحب کے اندر سالہ سال سے پک اور تپ رہے ہیں. شاید فریدہ کو اس بات کا کچھ اندازہ ہو. بیٹھی لی ہیں نیلی حسن اتفاق, قیمتی مشورہ, 50 روپے, آدھا کنواں, یہ اور دوسرے سب افسانے پڑھنے کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ رانا صاحب کے اندر جو ایک الاؤ جل رہا تھا, اس کی چنگاریاں اب باہر نکلنے لگی ہیں. یہ کتاب ان کے اس خزانے کی پہلی قسط ہے. انہوں نے افسانوں کی شکل میں جو قیمتی مال
बचा कर छुपा कर रखा है, इसकी इसको उम्मीद है कि ये भी हमें किस्वार मिलता रहेगा। मैं आधा कुआं उनके अफसानों की किताब का पहला बाप समझती हूँ। मुझे यकीन है ये आधा कुआं भरकर जल्द ही पूरा कुआं बन जाएगा। इस किताब पर बहुत अच्छे अच्छे मजामीन पढ़े गए, बड़े काबिल लोगों ने और बहुत अहले कलम लोगों ने। इनमें मैं कोई बड़ा इजाफा तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए इन अफसानों की एक बड़ी खूबी ये है कि वो मुझे पाकिस्तान की दही जिंदगी से मुतारिफ करवाते हैं। वो मुझे नीली रानों और भूरा मस्त के ज़रिए देहात का चेहरा दिखाते हैं, जो हम जैसे शहर में रहने वालों की नज़रों से ओझल है। राना साहब ने बहुत सादा बयानी के साथ देही ज़िंदगी दिखाई है और इसकी तशरीह भी की है। इनकी कहानियाँ हमें बताती हैं कि गांव में इंसानी रिश्तों की शक्ल क्या है और सदियों पुरानी तबकाती तकसीम क्या रंग दिखाती है, और आज भी एक चौधरी और कमी के दरमियान खींची हुई लकीर कितनी गहरी है। गांव की ज़िंदगी के बहुत से छुपे हुए गोशे इनकी कहानियों में नज़र आते हैं। राना साहब ने देही ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बहुत गहरी नज़र से देखा है और बहुत ही मौसर अंदाज में हम तक पहुँचाया है। इनकी कहानियों से हमारी अपनी मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आती है और इस ज़मीन पर पड़ने वाले कदमों की चाप सुनाई देती है। आरिफ राना जो शहरी आदमी हैं, इनका कमीर गांव की ज़मीन से उठा है। अशरफ शाह ने सही कहा है कि आरिफ राना के अंदर एक देहाती नौजवान शहरी बाबू पर आज भी हावी है। यहाँ आरिफ राना की शरीक हयात फरीदा राना का तस्करा करना ज़रूरी है, जो आरिफ राना की तख्लीकी अमल में शायद अंग्रेज़ी की फ्रेज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बनी हुई हैं। आरिफ राना खुशकिस्मत हैं कि इन्हें एक हम पेशा शरीक हयात मिली है, जो पाकिस्तान टेलीविज़न की मारूफ और सीनियर प्रोड्यूसर हैं और तख्लीकी काम की बारीकियों और नज़ाकतों को समझती हैं। तो लिहाजा आपको फरीदा की बात सुननी चाहिए आरिफ भाई। वो आरिफ राना के काम को आगे बढ़ाने और इनकी तख्लीकात को महफूज देने का एक अहम किरदार अदा करती हैं। मैं आरिफ राना और फरीदा राना को आधा कुएं की अशात पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया।